Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. It is our firm view that there is no military solution to the conflict in Afghanistan. The focus should be on a politically negotiated settlement. अफगान मसले का फौजी नहीं सिर्फ सियासी हल निकाला जा सकता है। चीन और पाकिस्तान यकीन रखते हैं कि अफगानिस्तान में अमन से ही खत्ते में अमन लाया जा सकता है। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की बीजिंग में चीनी हममनसब के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत करता है। सी पैक के लिए जो भी खतरा होगा इसका भरपूर सदबाब किया जाएगा। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा कहते हैं एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बजाय दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमरीका नई पॉलिसी में अफगानिस्तान समेत अमन के लिए काम करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी आलमी बरादरी उसका एतराफ करे। शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग। नैब आज 4 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर करेगा। नवाज शरीफ हसन हुसैन और मरियम नवाज के खिलाफ लंदन फ्लैट्स अजीजिया स्टील मिल्स और हिल मेरल कंपनी से मुतालिक रेफरेंसेस दायर होंगे। इसहाक डार के खिलाफ भी आमदन से जायद असासे बनाने पर रेफरेंस दायर होगा। इरादे पाकिस्तान को जो कुछ चीन के मामलात हैं दूसरे वो पाकिस्तान को अपनी जात पर पाकिस्तान को पाकिस्तान से ज्यादा अपनी जात को अहमियत देते हैं अपने खानदान को और अपनी दौलत को देते हैं। शरीफ खानदान की सियासत 4 से 6 माह में दफन होने वाली है। शेख रशीद की पेशगोई कहा शरीफ खानदान को पाकिस्तान से ज्यादा अपनी जात और जायदाद अजीज है। जहां तक मसला है नवाज शरीफ साहब का कि जब भी उसको मैंने मशवरा दिया तो जब भी उसे मेरा मशवरा दिया वो सक्सेसफुली बाहर निकला है। ये फर्स्ट टाइम था जो उसने मेरा मशवरा नहीं माना। नवाज शरीफ ने मेरा मशवरा नहीं माना तो नुकसान उठाना पड़ा। बदकिस्मती से सिंध का हर मामला सियासत की नजर हो जाता है। मसला आईजी का नहीं गवर्नेंस का है। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। इदारों को हद में रहकर काम करने का मशवरा। एडी ख्वाजा पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं। वो स्मृति सिंह फैसला ना मानने वाले को हटाने पर लग जाती है। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने हमें दहशतगर्दों के रहमोकरम पर छोड़ दिया। इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले पर एटीसी से उबूरी जमानत में तौसीक भी मिल गई। तख्ते लाहौर को फतह करने की कोशिशें। पीटीआई आज कुर्तबा चौक पर जलसा करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी हतमी मराहल में दाखिल। पाक फौज की निगरानी में बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू। तरसील भी पाक फौज की निगरानी में ही होगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट से 340 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पैनल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। पहले जमात इस्लामी ने इतिहाद से निकलने की धमकी दी। कार्रवाई की तो गुज़श्ता रोज ओहदे से हटाए गए एमडी खैबर बैंक शब्सुल कयूम ने सूबाई महकमा खजाना का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा बरतरफी गैर कानूनी है। मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन की रोकथाम के लिए कवायद जवाबित पूरे न करने का इल्जाम। अमरीकी फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट और हबीब बैंक इंतजामिया में मामला तय। न्यूयॉर्क ब्रांच पर 22.50 करोड़ डॉलर का जुर्माना आयद। कोयटा के रईसानी रोड पर सीटीडी की कार्रवाई। सानिहा सिविल अस्पताल में मुलविस एक और सहूलतकार गिरफ्तार। रोहिंग्या मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में आज एहतजाज किया जाएगा। वजीर दाखिला की रैलियां पुरअमन रखने की अपील। इस्लामाबाद के रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त। आलमी बरादरी कश्मीर और फलस्तीन के आवाम से ना इंसाफी दूर करे।
सियासी माशी नाइंसाफी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से अमन मुमकिन नहीं। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोहरी का जनरल असेंबली से खिताब। समंदरी तूफान अरमा ने कैरेबियन जज़ायर में तबाही मचा दी, बड़ी तादाद में मकानात तबाह, हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई। समंदरी तूफान इतवार को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से